बसमिलीम अल्लाइम हैलवन आई होप यू ऑल आउट डूंग वेल आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्राम अमेरिकन लिटरेचर ओ स्वीट स्पॉन्टीनियस बाई ई कमिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है इस पोम में हम ई कमिंग्स की शॉर्ट बायोग्राफी की फैक्ट्स पोम ट्रांसलेसन थीम्स और सिम्बोज़म को डिस्कस करेंगे सो टाइम कोस्ट के बगैर गेट स्टार्टड ई e. कमिंग्स e. जिसका फुल नेम है एडवर्ड एस्टलिन कमिंग्स ये एक अमेरिकन पोइट पेंटर असिस्ट और प्ले रॉइट थे मीन ड्रामेटिस्ट थे डेट ऑफ बर्थ इसकी फोर्टीथ अक्टूबर एटीन नाइन्टी फोर कैम्ब्रिज मैसेच्स में हुई थी और डेथ इसकी थर्ड सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी टू नॉर्थ कॉनवे में हुई एजुकेशन की अगर बात करें तो कमिंग्स अटेंडेड हारवर्ड यूनिवर्सिटी हारवर्ड यूनिवर्सिटी इसने अटेंड की वेयर ही स्टडीड क्लासिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर और क्लासिक्स इसने पढ़ा लेकिन ये इंटरेस्टेड थे राइटिंग और पोइट्री में ठीक है जब ये एडवर्ड है जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वर्ल्ड वार वन में इसने अपने सर्विसेज दिए थे कमिंग्स एज अ वॉलेंटियर एज आ एम्बोलेंस ड्राइवर तो ये एज आ एम्बुलेंस ड्राइवर भी रहे थे वर्ल्ड वार वन में एंड स्पेंड सिविलप में रहे थे Uh, कुछ मंथ्स के लिए हिज़ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द वॉर हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिज़ पोट्री एंड वर्ल्ड व्यू तो इससे जो है इसकी जो पोइट्री थी उस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था यूनिक राइटिंग स्टाइल अच्छा ये जो राइटर है ई e. कमिंग्स e. ये अपनी यूनिक राइटिंग स्टाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है मतलब जहाँ पे पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं होती ये वहाँ पे पंक्चुएशन लगाते थे जहाँ पर फुल स्टॉप के बाद आपने जो है लाइक जो लेटर लिखना होता है वो कैपिटल में लिखना था लेकिन ये जो है डायरेक्ट लाइक स्मॉल लेटर में लिखता था ठीक है मतलब स्मॉल एल्फाबेट्स का यूज़ करता था कमिंग्स इज रिमू फॉर हिज इनोवेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल राइटिंग स्टाइल ही ओपन रिप्लेड विद जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सिंटेक्स के साथ ये खेलता था मीन सेंटेंस के साथ पंक्चुएशन के साथ कैपिटलाइजेशन एज आई सेड कि जहाँ पे स्माल लेटर लिखता था ये कैप्टलाइज करता था और जहाँ पर कैप्टेलाइज होना था ये स्मॉलर लेटर में लिखता था डिफ़ कन्वेंशनल रूल्स ऑफ ग्रामर इसी तरह जो ग्रामर्स के रूल्स जिसको हम कहते हैं ना तेस नहस करना ये वो करता था टाइपोग्राफ़ी द डिस्टिव स्टाइल बिकेम वन ऑफ़ हिज ट्रेडमार्क और इसी वजह से जो है ये फेमस हुए थे कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ ऐसा करो यूनिक करो कि लोग आपको याद रखें इसी इसको आज इस अपने जो यूनिक राइटिंग स्टाइल की वजह से याद रखा जाता है आर्टिस्टिक्स इन एडिशन टू हिज पोइट्री कमिंग्स वॉज अ स्किल्ड पेंटर और ये स्किल्ड पेंटर भी थे और सिग्नीफिकेंट बॉडीज इसने बनाई थी ठीक है एज विजुलर्ट वर्क थ्रू आउट हिज़ लाइफ हिज पेंटिंग्स ओपन इनकॉरपोरेटिड हिज पोइट्री इन टू द आर्ट वर्क इट्स सेल्फ ब्लरिंग द बाउंड्रीज बिटवीन विजुल एंड रिटर्न एक्सप्रेशन तो ये लाइक एक्सप्रेशन वगैरह का अपनी पोइट्री में भी यूज़ करते थे और इस तरह ये ड्रा भी करते थे लाइक like, एक ऐसे इंसान को बनाना पेंटिंग वगैरह के थ्रू बनाना कि ऐसा लगे जैसे वो बिल्कुल रियल हो लिटरेरी करियर की बात करें तो कमिंग्स पब्लिश हिज पोइट्री फर्स्ट पोइट्री पब्लिक कलेक्शन टलिप्स एंड चैमनीस ये इसका सबसे पहला पोइट्री कलेक्शन था नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में पब्लिश हुआ और विच हिज रिपोटेशन एज़ अ बोल्ड एंड अनकन्वेंशनल पॉइट तो इसी वजह से जो है ये अनकन्वेंशनल पॉइट और एक बोल्ड पॉइट के तौर पे जाने गए ओवर हिज करियर ही पब्लिश नोमरियस पोइट्री कलेक्शंस जिसमें नो थैंक्स है विवाह एंड फिफ्टी पोम्स थीम्स एंड इन्फ्लुेंसिस के जो पोइम्स हैं उसमें ज़्यादातर कौन कौन से थीम्स है लव के हैं नेचर के हैं इंडिविजुअलिटी के हैं एंड द हुमन एक्सपीरियंस ही ड्रॉ इंस्परेशन फ्राम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग हिज ओन पर्सनल रिलेशनशिप्स हिज ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज़ इंटरेस्ट इन स्परिचुअलिटी एंड माइस्टिसज तो ये एक स्परिचुअलिटी में भी लाइक एक like, किस्म के इंटरेस्टेड थे इसमें भी इसके जो थीम्स हैं वो भी आपको इसकी पोइट्री में देखने को मिलते हैं इसी तरह मेस्टिसज है एंड हिज ऑफ ऑब्जर्वेश वर्ल्ड ऑफ लोगों को ऑब्जर्व करना जिस तरह इसका एक पोएम है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं वहाँ पे इसने जो ऑब्ज़र्व किया था उस पूरी चीज़ों को जो है इसने वोट्रे किया पोएम के थ्रू वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेगेसी ई इज़ कमिंग इज़ रिकार्डेड एज वन ऑफ़ द मोस्ट इनोवेटिव एंड इन्फ्लुनटल पोएट्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी एंड हीज़ एक्सपेरमेंटेशन विद लैंगज एंड फॉम अलॉन्ग विध हीज़ एबिलिटी टू कैप्चर प्रोफाउंड इमोशन्ड थीम्स इन कंसाइज एंड अनकंडशनल वेज एज आई सिर्ट की डिफरेंट थीम्स और इमोशन्स का जो है अपने पोइट्री में जो है लाइक like, पोर्ट्रे करते हैं हेव मेड हिज वर्क इन ड्योरिंग एंड वाइडली स्टडीड इसी लिए इसका जो है वर्क है वो बहुत ज़्यादा जाना जाता है और बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है एक तो ये एक यूनिक रॉटिंग स्टाइल की वजह से फेमस है और ऊपर से अच्छी जो पेंटिंग वगैरह है वो भी बहुत अच्छे बनाते थे E Cummings' body of work continues to inspire and challenge readers, and his unique contributions to poetry and arts have solidified his place in literary history. अब इस पoem के अगर key points की, की बात करें तो ये obviously ये poem जो है E Cummings ने लिखा है O oh, Sweet Spontaneous और ये एक American poet थे और अपने distinctive style की वजह से मुख्तलिप style की वजह से वे famous थे जिसमें अनकन्वेंशनल सिंटेक्स का यूज़ करते थे लेक ऑफ पंक्चुएशन और एक्सपेरिमेंटेशनल यूज़ ऑफ टाइपोग्राफ़ी पब्लिकेशन इसकी कब हुई थी इस पोम की 1935 में और इसके कौन से जो कलेक्शन uh, में पब्लिश हुई है पोम नो थैंक्स में ठीक है स्टाइल एंड स्ट्रक्चर जो है इसका द पोम फॉलोज कमिंग्स सिग्नेचर स्टाइल ऑफ डिस रिगार्डिंग ट्रडिशनल फंक्चुएशन तो इसमें भी इस फोम में भी जब हम डिस्कस करेंगे इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर पंक्चुएशन की जरूरत नहीं होती तो ये वहाँ पर पक्चुएशन लगाते थे इसी तरह कैपिटलाइजेशन का यूज़ करते थे इट इज़ कम ऑफ फोर स्टेंजाज इसके फोर फोस्टाज है विद वेरिंग लाइन लेंस एंड इेगुलर राइम स्कीम और इसकी कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है और इसके अगर थीम्स की बात करें थीम्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसमें जो थीम्स है वो नेचर से रिलेटेड है पार्टिकुलरली फ्लावर्स और एज लिविंग बींगस विद जॉयस एंड स्पॉन्टेनियस क्वालिटीज स्पॉन्टेनियस यहाँ इस स्पॉन्टेस का यहाँ पे मतलब है नेचुरली uh, ठीक है सरप्राइजिंगली कंट्रास्ट द पॉइम हाई लाइट्स द कंट्रॉ बिटवीन द ऑर्गेनिक्स एंड स्पॉन्टेनियस ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द आर्टिफिशलिटी ऑफ ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स तो इसमें लाइक like ओब्वियसली ये भी नेचर के लवर थे और जो इंसान बनाते हैं चीज़ें उसको जो है ओबियसली आर्टिफिशल चीज़ें कहा जाती है तो इस चीज़ों का भी ये अपने पोम्स में जिक्र करता है कमिंग्स एक्सप्रेस एक्सप्रेस प्रेफरेंस फॉर दी ऑथेंसिटी एंड वाइब्रेसी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड तो ये हमेशा ऑथेंटिक चीज़ों की तरफ भागते हैं ठीक है नेचुरल वर्ल्ड को जो है अपने पोम्स में एक्सप्रेस करते हैं सिम्बोजम ऑफ फ्लावर्स ये जो है हम नेक्स्ट सॉरी uh, इसी वीडियो में भी लाइक सिम्बोलिज टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसको फ्लावर्स आर यूज सब्बोलिकली टू रिप्रेजेंट नेचर्स एक्सपेरियंस एंड फ्रीडम तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं एक तो नेचर मीन्स ब्यूटी को ने जो है सिम्बलाइज कर रहा है और दूसरा जो है फ्रीडम को सिम्बलाइज़ कर रहा है दे आर डिफेक्टेड एज सिंगिंग डांसिंग एंड इंबोडिंग एंड द क्वालिटीज़ ऑफ जो एंड स्पॉन्टेटी क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, वो फ्री लाइक uh, like, जब आप फ्री रहते हैं जब मीन जब आपको फ्रीडम मिलती है सो ओबियसली आप जो हैं आप खुश भी रहते हैं इसी तरह अब जब आप खुश रहते हैं तो ओबियसली आप गा भी सकते हैं डांस भी कर सकते हैं उसी तरह आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाती है लव ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट दम इंकरेजेज रीडर्स टू इम्प्रेस देयर द प्रेजेंट मोमेंट एंड फाइंड जोर इन द इमीडिएट ब्यूटी ऑफ नेचर और इस पोएम में जो है ओबियसली नेचर से रिलेटेड है और रीडर्स को भी यही कहा गया है कि नेचर को जो है नेचर की जो ब्यूटी है उसको इंजॉय करें इन्फ्लुंस ऑफ रोमांटिसिज्म ओ स्पीड्स पॉन्टीनियस रिफ्लैक्सड एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म ये एक एज थी ठीक है लिटरेरी मूवमेंट दैट ट्पिसाइज द इंडिविजुअल्स कनेक्शन टू नेचर एंड सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड और इस एज में ओबियसली क्या था नेचर से रिलेटेड था ये जो रोमांटिसिज्म एज था नेचर से रिलेटेड था नेचर की तरफ लोगों को लाना इसका मेन मकसद था इस एज में लोगों का अनकन्वेंशनल लैंग्वेज जो है यूज़ हुई है एज आई सेड के इसमें जो है जो पंक्चुएशन जहाँ पे जरूरत रही होती वहाँ पे इसने पंक्चुएशन लगाए हैं और अनएक्सपेक्टेड वर्ड कम्बिनेशन लगाई है ठीक है दिस एड्स टू द ओवरऑल यूनिकनेस एंड वाइटलिटी ऑफ द पोम म्यूज़िकलिटी द पोम हैज अ म्यूजिकल क्वालिटी ड्यू टू कमिंग्स यूज ऑफ रिथम रिपिटिशन एंड साउंड डिवाइसिस ठीक है तो इसमें जो है ये चीज़ें भी यूज़ हुई हैं आप जब इसको रीड आउट करेंगे ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूजिक हो द म्यूजिकल म्यूजिकलिटी इनहेंसेज द सेंस ऑफ जो है एंड लाइवलीनेस कन्वेट थ्रू आउट द पोम सेलिब्रेशन ऑफ नेचर या अगेन नेचर से रिलेटेड है नेचर को जो है इस पोम में सेलिब्रेट किया गया है कि नेचर जो है कितना इंपॉर्टेंट है परसोनिफिकेशन ऑफ नेचर कमिंग्स पर्सोनिफाइज नेचर थ्रू आउट दि फॉर्म गिविंग इट वुमेन क्वालिटीज़ जो चीज़ें हैं उसको जो है वुमेन क्वालटीज़ जिसको हम पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं ठीक है किसी भी चीज़ को जो नॉन लिविंग चीज़ होती है उसको हम जब हुमेन क्वालिटीज़ लाइक जैसे मैं कहता हूँ कि दरवाज़े पर लाइक एक सेंटेंस है अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा लेकिन मैं अगर याद है तो मैं आपको दरमिया बता दूँ नेचर इज़ डिस्क्राइबड एज हैविंग अ स्माइलिंग ई एंड जोअली पर्सनलिटी दिस पर्सनिफिकेशन इन्हेंस सेंस ऑफ कनेक्शन इंटमेसी बिटवीन द स्पीकर एंड नेचर कंट्रास्ट विद आर्टिफिशल्टी ये जो पोएम है नेचर से रिलेटेड है और फिर इसको जो है कंट्रास्ट लाइक like, एक तजाद कंट्रोडक्शन जो है पैदा किया गया है क्यों क्योंकि जो आर्टिफिशल चीज़ें हैं उनका भी जिक्र है और ई e कमिंग्स जो हमें बताते हैं इस पोम में कि नेचर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा जो है नेचर इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ फ्रीडम द पोम ई अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड लिब्रेशन एसोसिएटेड विद द स्पॉन्टीनियस ब्यूटी ऑफ नेचर अब नेचर ओबियसली ये जो है फ्री है क्यों जैसे फ्लावर्स होते हैं जो पुल वगैरह होते हैं वो कहीं पे भी उग सकते हैं तो ये इसकी फ्रीडम है सेम टू सेम ये पोएम जो है ये इस चीज़ को भी सिंबलाइज करता है ये इस चीज़ के भी इस एक थीम बनती है कि ये फ्रीडम को जो है ज़्यादा प्रमोट करता है ये पोएम डिलइट इन द प्रजेंट मोमेंट के जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको भी इन्जॉय किया जाए द पोएम बिजाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एप्रिशिएटिंग द ब्यूटी अराउंड अस कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको इंजॉय करें और जो सामने अभी जो ख़ूबसूरती है नेचर की उसको जो है अप्रीशिएट किया जाए द स्पीकर इंक्रेज द रीडर टू इम्प्रेस द स्पॉन्टीनटी एंड जॉय ऑफ नेचर सजेस्टिंग दैट इट ब्रिंग्स अ डीपर सेंस ऑफ फुलफ़िलमेंट एंड हैपीनेस अब यहाँ से जो है पोएम की शुरुआत होती है सो so, सबसे पहले जो लाइन है ये अब हम सारे एक लाइन इस पोएम को जो है क्योंकि ये आ, एक स्क्रिंस वाइज में तो है नहीं ये एज आई सी एट कि अपने अनकनवेंशनल स्टाइल की वजह से जो थे फेमस थे तो सबसे पहले जो नो लाइंस है इसको पहले देखते हैं इस पोएम में जो है ई कमिंग जो है अर्थ यानी ज़मीन से मुखातिब है कि इंसानों ने जो ज़मीन है जो अर्थ है उसका बुरा हाल कर दिया है ठीक है ये पोएम जो है अर्थ से रिलेटेड है मतलब नेचर से रिलेटेड है नेचर को किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो आम इंसान है या जो साइंटिस्ट है या जो दूसरे फलासफर्स हैं ठीक है अब ओ स्वीट कंटीन्यूस अर्थ हाउ ओपन हैव द डॉटिंग फिंगर्स ऑफ pinched and poked एंड पोकडीज दी तो इन ये देखो हमारे पास पहले नौ लाइन्स हो गए ये चार हो गए और ये चार और साथ में ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो इन लाइन्स का मतलब ये है इन लाइन्स में पॉइंट क्या कहता है अर्थ को जो है स्वीट कह रहा है ठीक है स्टार्ट में इसने क्या कहा है ओ स्वीट यानी जो ज़मीन है उसको स्वीट कह रहा है अर्थ को जो है ये अपने लाइक मेहरबान कह रहा है काइंड कह रहा है और स्पॉन्टीनियस का मतलब है यहाँ पर नेचुरली या सरप्राइजिंगली कि किस तरह डॉटिंग फिंगर्स यानी क्यूरियस फिंगर्स के किस तरह जो फ़िलासफर्स है जो जो ये यह यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है प्रोप्रियट मैं आपको इसका मतलब बता दूँगा बाद में प्रोप्रियट जो है जो मिसचीवियस है जो क्रुल है कि किस तरह उन्होंने अपनी आइडियाज़ की वजह से अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम्हारा बुरा हाल कर दिया तो ये अर्थ से मुखातब है ये ओबियसली फ़िलासफ़र्स की भी बात करता है अगले लाइन में जो है ये साइंटिस्ट की तरफ इशारा करता है कि किस तरह जो फिलासफ़र्स हैं उन्होंने अपने आइडियाज़ की वजह से तुम्हारा बुरा हाल कर दिया यानी ज़मीन का बुरा हाल कर दिया उन्होंने तुम्हें पंच किया और किया, तुमें तुमें तुम्हें फोक किया यानी तुम्हें इरीटेट किया तंग किया तो यहाँ पे जो जो वर्ड है प्रोप्रियंट प्रोप्रियंट का मतलब है हैविंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्शुअल मैटर्स या क्रुल यहाँ पे जो इसका मतलब है वो है क्रुल ठीक है और पिंच का मतलब है तकलीफ देना तकलीफ़ देना किस चीज़ को अर्थ को ठीक है आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें है नहीं बाकी सारे ईजी वर्ड्स हैं और अगले लाइन्स में क्या कहता है हैज़ द नाटी तम ऑफ साइंस प्रोडिक्ट तो इन लाइंस का मतलब ये है किस तरह साइंटिस्ट ने अब यहाँ पर ओबियसली साइंस मीन साइंटिस्ट की बात हुई कि किस तरह साइंटिस्ट्स ने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारा बुरा बुरा हाल कर दिया किस तरह उन्होंने मुख्तिक एक्सपेरिमेंट्स किए एक किस्म की, की क्रिटिसिज्म है जो ई कमिंग्स कर रहे हैं मतलब अर्थ को ख़राब करने में इनका बहुत बड़ा रोल है किन का साइंटिस्ट्स का फिलासफर्स का साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिलासफर जो अपनी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए इन्होंने अर्थ का जो है बहुत बड़ा बहुत बुरा लाइक हाल जो है ख़राब कर दिया है अर्थ का और इनका बहुत बड़ा रोल है जैसे एट, लाइक एटम बम है ये साइंटिस्ट ने बनाया है तो ओबियसली इससे जो है नेचर भी डिस्ट्रॉय होता है और अर्थ की भी एक किस्म की डिस्ट्रक्शन है फिर अगले लाइंस में क्या कहता है ब्यूटी हाउ ऑफन हैव रिलीजन्स टेकन और सॉरी यहाँ पे जो पॉडिड वर्ड है पॉडिड का मतलब है लाइक नुकसान पहुँचाना ठीक है खलल डालना पॉडिट का क्या मतलब है नुकसान पहुँचाना या खलल डालना ब्यूटी हाउ ओपन हैव रिलीजन् अपॉन देअर सरगैजी स्नीज स्क्विजिंग एंड बिफिटिंग दी दैट ताव माई टेस्ट कन्सीव गॉड्स बट ट्रू अब इन लाइंस में वो मज़ा मज़ाहब यानी रिलिजन्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है ठीक है इन लाइंस में ये जो है रिलीजन को क्रिटिसाइज कर मजाहब को क्रिटिसाइज कर, कि किस तरह रिलिजन ने अपने लाइक कम और घुटनों पर तुम्हें उठा के उठाया कि किस तरह कुछ रिलिजन ने ये कहा कि अर्थ जो है गॉड है अब आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मजाहब है जो अर्थ को यानी ज़मीन को जो है गॉड मानते हैं ठीक है यानी अर्थ को पूजा करते हैं कुछ का तो ये मानना है कि अर्थ जो है इंसानों को प्रोड्यूस करती है तो यहाँ पे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रिलीजन को जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा है ई e. कमिंग e. जो है रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और स्क्रेजी मीन्स ये जो वर्ड है इसका मतलब है रफ़ ठीक है हार्श मतलब मजाहब ने तुम्हें अपने कम 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 और कम और घुटनों पर उठाया है और एक और वर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है बेफिटिंग बेफिटिंग का मतलब है क्लैश करना ठीक है अगले लाइंस में क्या कहता है टू द इनकम्फेरेबल काउच ऑफ डेथ लवर तो दाओ स्वीट हार्ट देम ओनली विद स्प्रिंग यहाँ तक इन लाइंस का मतलब ये है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है वो अर्थ के पास लौटता है इंसान की आखिरी मंजिल अर्थ होती है और ज़मीन जो है उसको एक कंफर्टेबल काउच मुहैया करती है अर्थ जो है उसे जवाब देती है अर्थ का जो रिस्पांस होता है वो नेगेटिव नहीं होता अर्थ किस किसी से रिवेंज नहीं लेती उसने भी लाइक like, जिसने भी अर्थ के साथ बुरा भी किया होता है उसको भी अर्थ स्प्रिंग से जवाब देता है अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीन जो अर्थ है वो किसी पे म नहीं करती बल्कि हम अर्थ पे जो ज़मीन है उस पर म करते म किस तरह जैसे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बम्स जो एटॉमिक है बम हैं ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करना इसी तरह जो दूसरे जो फ़िलासफ़र्स है वो अपने आइडिया से जो है नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे यानी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सो यहाँ पे जो इनकम्पेरेबल वर्ड है इसका मतलब है बेमिसाल यूनिक मैचलेस ठीक है और रिथमिक लवर का मतलब है मौत तुम्हारी हैरत अंगेज़ महबूबा है ठीक है यानी इंसानों की बात हो रही है कि मौत जो है तुम्हारी हैरत अंगेज़ महबूबा है अब जो इम्पॉटेंट चीज़ है वो इसके थीम्स भी हैं नैचर्स ब्यूटी एंड वाइटलिटी सर एज़ आई सेड कि ये पूरे फॉर्म में जो है नेचर को जो है ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और ई कमिंग यही चाहता है कि जो नेचर है उसकी वैल्यू की जाए उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए और इसने तीन चीज़ें तीन चीज़ों को मैंशन किया जिसमें इसने फलासफर्स का नाम लिया है इसी तरह जो साइंटिस्ट है और रिलीजन है तो ये तीनों चीज़ें जो हैं कहते हैं इसके मुताबिक ये जो है जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कंट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड आर्टिफिशलिटी अब आर्टिफिशलिटी किस तरह जो नेचर है वो ओबियसली अपनी जगह पर सही है ठीक है आर्टिफलिटी से मोरा जैसे एटम बम्स बनाना या दूसरे जो अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना जो, मतलब कुछ ऐसे आइडियाज जो हमारे काम की नहीं थे लेकिन हम रिप्रजेंट करते हैं क्यों बस हमने एक्सपेरिमेंट्स करने होते अब जो साइंटिस्ट होता है उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो ओबियसली आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं हर हाल में तो जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे क्या होता है ये किसम की मतलब आपकी एक किस्म की आर्टिफिशल्टी मतलब आप किस्म की चीज़ बनाते हो तो ओबियसली वो तो आर्टिफिशियल है कोई नेचुरल तो नहीं है तो ये जो है अब यहाँ पे कंट्रास्ट जो है क्रिएट हो रही है बिटवीन अर्थ नेचर या अर्थ और आर्टिफलिटी फ्रीडम एंड स्पॉन्टेनिटी फ्रीडम और स्पॉटेटी का मतलब यहाँ पे है नेचुरली या सरप्राइजिंगली तो जैसे नेचर है वो फ्री है ठीक है मतलब उसे एक किस्म की फ्रीडम मिली है अब इंसान जो है वो इतना फ्रीडम मतलब तो इतना फ्री नहीं रहता जितना नेचर जो है लेकिन हम फिर भी जो है जो इंसान है वो नेचर को तबाह करने पे तुले हुए हमने नेचर को तबाह करना होता है ठीक है अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपने लाइक like जो यूज़लेस आइडियाज़ है उनके थ्रू कि हमने एक्सपेरिमेंट्स करने वो एक्सपेरिमेंट अगर नाकाम भी होते तो किस चीज़ की डिस्ट्रक्शन होती है अर्थ की यानी नेचर की डिस्ट्रक्शन होती है अप्रिसिएशन ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट और अगेन जो है जो लास्ट टेंस है उसमें पॉइंट अगेन हमें ये भी बताते हैं कि जो आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं जिसने इस तरह ये पॉइंट हमने आ, की पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे तो उसको इन्जॉय करो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और चीज़ को या जो है फास्ट के बारे में सोचें या फ्यूचर के तो आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको इन्जॉय करें और इन्जॉय इसने किस लिए कहा इन्जॉय इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके कहीं कुछ और कर ले लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अर्थ यानी जो ख़ूबसूरती है जो ज़मीन की या जो नेचर की उसको देख के अपने आप को खुश रखें उसको जो है इंजॉय किया जाए कनेक्शन विद नेचर ये इंपॉर्टेंट थीम है अपने आप को कनेक्ट करना ईज़ी थीम है अपने आप को कनेक्ट करना नेचर के साथ और नेचर के साथ जो कनेक्ट होता है उसे एक किस्म की कम्फर्ट भी मिलती है ठीक है मीन्स वो इनकम्पेरेबल होता है बेमिसाल होता है वन एस्थेथिक अप्रीसीट्स मोट इन सेलिब्रेट्स एस्थेटिक एंड द ऑफ ब्यूटी एज एन वैल्यू कमिंग्स इन वायरस रीडर्स टू इंगेज देयर सेंसिस तो रिवील इन द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इन इसका मतलब यह है कि आपने ऑथेंटिक लाइक ऑथेंटिकली जो है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना है और वो आप तब कर सकते जब आप अपने सेंसेस को यूज़ करेंगे जो फाइव सेंसेस और जब आप अपने फाइव सेंसेस को यूज़ करेंगे तो आपको एक चीज़ मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेचर आपको सही समझ आने लगे कि नेचर है क्या यानी अर्थ है क्या अब इसके अगर सिम्बोलिज़म की बात करें सबसे पहला सिम्बल है फ्लावर्स द फ्लावर्स इन द दिम्बलाइज नेचर ब्यूटी वाइब्रेंसी एंड स्पॉन्टेटी दे रिप्रेजेंट द एसेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड इस एबिलिटी टू ब्रिंग जॉय एंड डिलइट आप जब भी फूलों को देखते हैं तो आप आपके अंदर ओबियसली एक एक किस्म की आप लाइक खुशी होती है इंसान खुश होता है तो यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो भी इसी चीज़ खूबसूरती को जो है सिंबलाइज कर रहा है इसी तरह जॉय और डिलाइट को जो है जो है जो सिंबलाइज कर रहा है कंट्रास्ट विद ह्यूमन क्रिएशन द पोम सिम्बलाइज द कंट्रास्ट बिटवीन द ऑर्गेनिक ब्यूटी ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड बाई द फ्लावर्स एंड द आर्टिफिशलिटी ऑफ ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स तो ये जो इंसान हैं जिसे कुछ आपने फूल भी देखो जो आर्टिफिशली क्रिएट किए जाते हैं अब आर्टिफिशली क्रिएट करना उससे तो स्मेल वगैरह तो नहीं आती ठीक है तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंट्रास्ट क्रिएट की गई है आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ किसका नेचर का नेचर की जो ब्यूटी है वो जो है ऑर्गेनिक ब्यूटी है और जो आर्टिफिशियल होती है वो इनऑर्गेनिक होती है फ्रीडम एंड स्पॉन्टेटी दॉम सिम्बलाइजर द फ्रीडम एंड स्पॉन्टेटी फाउंड इन नेचर द फ्लावर्स एड सिम्बल ऑफ़ द नेचुरल वर्ल्ड प्रेजेंट द लिब्रेशन फ्राम कंस्ट्रेंस एंड द जॉय ऑफ लिविंग इन द प्रजेंट मोमेंट तो फ्रीडम और ये सारी चीज़ें ऐसी इसकी थीम भी है और सिम्बलाइजेशन के तौर तो पर आप, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज आई सेट कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को इन्जॉय करना था और प्रेजेंट मोमेंट आप किसके साथ एंजॉय कर सकते हैं अर्थ की ब्यूटी को देख के अर्थ को जो है लाइक like, uh, जो अर्थ है उसकी जो चीज़ें हैं जो उसके नेचर नेचर की जो चीज़ें हैं जिसमें फ़्लावर्स है डिफरेंट चीज़ें आती हैं तो उसको देख के आपने लाइक ये किस्म की फ्रीडम है और आप इस चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं सिंगिंग एंड डांसिंग द इमेजरी ऑफ़ द फ्लावर सिंगिंग एंड डांसिंग द एक्सप्रेसिव एंड जॉयफुल क्वालिटीज़ ऑफ नेचर इट द आइडिया दैट नेचर कम्युनिकेट्स एंड एक्सप्रेसिज इट्स थ्रू इट्स इनहेरेंट ब्यूटी एंड वाइटलिटी कि जो अर्थ है वो खुद भी गाता है और ख़ुद भी डांस कराता है वो किस तरह मतलब जो चीज़ें हैं वो उगती हैं उनके अंदर एक खूबसूरती आती है इनहेरेंट ब्यूटी आती है और वाइटलिटी आती है द एक्ट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग सजेस्ट अ हारमोनियस एंड लाइवली रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लावर्स एंड सराउंडिंग सराउंडमेंट तो दोस्तों ये जो लास्ट है फिर ले सेंसरी एक्सपीरियंस अपने जो फाइव सेंसेस है उसको यूज़ करके आप जो है ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंगेजिंग द सेंस एंड अप्रिशिएटिंग द एस्थेटिक जब आप अपने फाइव सेंसेस को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है आप जो है चीज़ों को बेहतर जान सकते हैं चीज़ों को बेहतर ऑब्जर्व कर सकते और उनको बेहतर जो है लाइक अप्रीशियट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो मेन मकसद है ई कमिंग्स का वो यही कह रहा है कि आपने नेचर को जो है बेहतर जानना है और नेचर को जो है बेहतर समझ के उसको जो है एस्थेटिकली जो है अप्रीशिएट करना है इस्थिक का मतलब है हकीीकी तौर पे ठीक है सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो में हम ये ई कमिंग्स है नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे द कैम्ब्रिज लेडीज़ हो लिव इन फर्निश्ड सोल्स सो नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस होगा आई होप आपकी वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक कि अल्लाह हाफ़ टेक यू फेर्स